क्या आप थाईलैंड घूमने का प्लान बना रहे हो एंड आप इस बात को लेकर नर्वस हो कि आपको इमिग्रेशन में क्या क्या पूछे जाएंगे एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको थाईलैंड में एंटर करने के लिए, तो दोस्तों मैं लाया हूँ आपके लिए ये वीडियो जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इंडिया से फुकेत एंड मैं आपके साथ शेयर करूँगा मेरा पर्सनल इमिग्रेशन एक्सपीरियंस, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए मुझे इमिग्रेशन में एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको थाईलैंड में एंटर करने के लिए। तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो। तो पहले थाईलैंड जाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होता था वो था आपका रिटर्न एयर टिकट, रिटर्न और ऑनवर्ड एयर टिकट, वीज़ा अराइवल फीस तो कि 2200 बात था, अगर आप सिंगल ट्रैवलर हो तो आपको 10,000 बात कैश में होना चाहिए था आपके पास, और अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो 20,000 बात इन कैश, एंड होटल बुकिंग्स तो चाहिए ही, एंड 2 कलर्ड फोटोग्राफ्स, ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए था आपको पहले थाईलैंड में एंटर करने के लिए। नाउ करेंटली सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए बट आपका वीज़ा फीस फ्री हो गया है, तो इसका मतलब जो पहले आप देते थे 2200 बात वो आपको देना नहीं पड़ेगा। बट अब देखते हैं एक्चुअल में क्या क्या वो मांगते हैं, क्योंकि मैं तो जा ही रहा हूँ एंड मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरा इमिग्रेशन कैसा रहा एंड मेरे को क्या क्या मांगे एंड क्या क्या पूछे मेरे को इमिग्रेशन में। नाउ मेरी जो फ़्लाइट थी, मैं जा रहा हूँ एयर एशिया में एंड मेरी फ़्लाइट यहाँ से डिपार्ट करने वाली थी 11:55 PM जो कि सुबह जाके पहुँचती 6:30 कुआलालंपुर। बट दिक्कत वाली बात अभी ये है, मेरी जो फ़्लाइट है वो डिले हो गई है, अब मैं यहाँ से डिपार्ट करने वाला हूँ 2:30 AM एंड पहुँचते मेरे को हो जाएगा 9:25। नाउ प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो नेक्स्ट फ्लाइट है फ्रॉम कुआलालंपुर टू फुकेत उसका टाइम है 10:45, तो हैदराबाद से कुआलालंपुर वाली फ़्लाइट अगर और लेट हो जाती है देन शायद मुझे फुकेत वाली फ़्लाइट को मिस करना पड़े, बट आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, मेरे पास तो दोनों बोर्डिंग पास है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इस वीडियो में बने रहे, आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा एंड कैसे अगर आपका डिले होता है फ्लाइट तो आप क्या कर सकते हैं ये सब का भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। लेट्स सी, आई होप कि फ्लाइट डिले ना हो बट यू नेवर नो व्हाट विल हैपन, सरप्राइजेस आर ऑलवेज देयर फॉर यू। वैसे रूल की बात करें तो इन कैश 10,000 बात होना चाहिए आपके पास अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप सोलो ट्रैवलर हो सिंगल ट्रैवलर टू थाईलैंड, बट नॉर्मली वहाँ पे क्वेश्चंस करते नहीं है। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस जो 2 साल पहले मैं जब थाईलैंड गया था तब मेरे को कुछ नहीं पूछा था कि आप कितने कैश कैरी किए हो अपने साथ, तो इस बार मैं अपने साथ सिर्फ 5,000 बात लेकर चल रहा हूँ क्योंकि 3-4 दिन का ट्रिप है। सो लेट्स सी, मैं आपको बताऊँगा कि क्या वो रियली पूछते हैं कि आपके पास कितना कैश है या फिर क्या होता है। सो दोस्तों फ्लाइट डिले होने के कारण अभी मेरे हाथ में 3 घंटे बचे हैं एंड मुझे नहीं पता ये 3 घंटे कैसे बिताऊंगा, तो मैं चला कोई शांत सी जगह ढूंढकर सोने क्योंकि 3 घंटे तो ऐसे नहीं बीतने वाला, मिलते हैं 3 घंटे बाद। तो फाइनली 3 घंटे वेट कराने के बाद ये आ चुकी है हमारी फ़्लाइट जिसमें बैठकर हम लोग सब जाने वाले हैं थाईलैंड। Five hours later. तो दोस्तों मैं टाइमली पहुंच तो गया, अच्छी बात है, अराइवल से डिपार्चर तक आने के लिए मुझे लगे सिर्फ 15 मिनट, मैं भागते भागते आया एंड मुझे लगता है कि मैं अपनी फ़्लाइट पकड़ लूँगा, तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं फुकेट में। फाइनली बहुत सारे चैलेंजेस और डिलेज के बाद मैं पहुंच चुका हूं फुकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब मैं सीधा जा रहा हूं इमिग्रेशन की तरफ, फिर मैं आपको बताता हूं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेरे को मांगे, तो चलिए सीधा इमिग्रेशन की तरफ। Customers in row 1 in the emergency escape room are informed to store their baggage.
तो दोस्तों अब मैं ऑफिशियली थाईलैंड के अंदर आ चुका हूँ, मेरा इमिग्रेशन क्लियर हो गया है एंड इतना स्मूथ एक्सपीरियंस आज तक मैंने नहीं देखा। कुछ भी नहीं पूछा, एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा, बस पासपोर्ट मांगा, उसमें स्टैंप लगाया, मेरा फिंगरप्रिंट लिया एंड दैट्स इट। आपके पास रिटर्न टिकट है, होटल बुकिंग है या आपके पास पैसे है, सफिशेंट फंड्स है, कुछ प्रूफ नहीं मांगा, जस्ट बोला कि ठीक है आप जाओ एंजॉय, दैट्स इट। एयरपोर्ट से सिटी में जाने के लिए आपको एयर कंडीशन बसेस मिल जाएंगे। इसके लिए आपको अराइवल हॉल से निकलकर लेफ्ट टर्न लेना है एंड सीधा वॉक करते करते जाना है डोमेस्टिक डिपार्चर टर्मिनल की तरफ। यहां आपको तीन टाइप के पब्लिक बसेस मिल जाएंगे डिपेंडिंग कि आपको किस लोकेशन में जाना है एंड ये बसेस 30-60 मिनट के इंटरवल में चलते रहते हैं, जो कि आपको 30-100 थाई बाट चार्ज करेंगे।